नमस्कार, स्वागत है सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे हम यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में बुधवार के दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, आज कमोडिटी बाजार की चाल क्या रहेगी, तेजी की ओर जाएगा या मंदी की ओर, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा $1697 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और सी का भी बयान निकल के सामने आया है कि जो सरकारी अनुमान है उसके मुकाबले जो व्यापारी अनुमान है और जो एक्चुअल उत्पादन है वो काफ़ी कम रह सकता है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह से सोयाबीन की जो दाम है वो क्या आगे अभी और बढ़ सकते हैं? देखिए, सोयाबीन के दामों में अभी तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है कि एडिबल ऑयल पैक जो है पॉजिटिव रह सकते हैं, और जिस तरीके का अभी फिलहाल सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसके चलते एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों के अंदर तेजी बनी रह सकती है। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद जा सकते, लेकिन गिरावट भी नहीं है, और मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर रह सकती है मार्केट के अंदर। और एडिबल ऑयल पैक जो है अभी भी डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से तेजी की तरफ बना हुआ है, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया हो, सब में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाजार जो है सस्टेन कर सकते हैं अपनी तरफ और तेजी की तरफ मार्केट बना रहा है। जी रूपा जी, एडिबल ऑयल पैक में क्या लगता है, क्या सरकार कोई फैसला ले सकती है खाद्य तेलों को लेकर? इंडोनेशिया ने तो पहले से ही अपना निर्यात खोल दिया है, लेकिन ऐसी मंडियों में चर्चाएं हैं कि जो आयातित तेल है वो देसी तेल के मुकाबले महंगा बैठ रहा है, इसलिए सरसों का रिफाइंड का जो उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो क्या अभी खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिलेगी और क्या सरकार इस पर कुछ फैसला ले सकती है इसी बीच? देखिए, अभी एक फैक्टर तो यही है कि प्राइजेस को बूस्टअप मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हमने देखा है कि इंडोनेशिया के शिप जो है वो 2 लाख टन क्रूड पाम ऑयल, 2 लाख टन के आसपास क्रूड पाम ऑयल के जो है वो शिप जो है वो उठते हुए नजर आए हैं, और अभी आगे एक्सपेक्टेड है कि प्राइजेस जो है छोटे मोटे गिरावट जो है वो दिखा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो प्राइस तेजी के साथ बना रह सकता है। और जो अभी एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है, इंपोर्ट जो किया जा रहा है वो महंगा पड़ रहा है, उनका भी एक असर जो है वो अगर एडिबल ऑयल पैक के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और प्राइसेस को तेजी का रुझान जो है वो बनता हुआ प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। जी ये सिर्फ जी, सरसों में क्या लगता है आपको, क्या सरसों में अभी और तेजी बन सकती है, जिस हिसाब से सरसों का जो आवकें हैं मंडियों में कुछ कम हुई है और जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, अभी थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ हमने सरसों के अंदर देखा था, लेकिन अभी अगेन जो है प्राइसेस जो है थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बूस्टअप ले सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा है कि मस्टर्ड की प्राइसेस में गिरावट आते हुए दिखाई दी थी, लेकिन एक बार फिर से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर मार्केट जो है सस्टेन कर सकता है। और उधर से आप देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तेजी बनी रह सकती है। जी ये सर जी, बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन देख रहे हैं कि 50,000 के बाद अब 47,180 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, क्या लगता है, क्या MCX कॉटन जैसे आज 47,180 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, तो क्या अब 46,000 के भी नीचे लुढ़क सकती है, क्योंकि हम 46,820 का लो लगते ही देख चुके हैं अभी? देखिए, कॉटन में मैंने पहले भी बताया था कि गिरावट कभी भी हावी हो सकती है, और अब वही हम देख रहे हैं कि गिरावट की तरफ है मार्केट, इसका पीक निकल चुका है, तेजी जो आनी थी वो आ चुकी, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें और अपनी पोजीशन एक्सिट करना चाहिए, जिनके पास माल रखा है वो लिक्विडेट करें। अगर यहाँ से थोड़े से प्राइसेस और करेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने बुक किया था वो माल भी लगातार मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, एक पैनिक बन सकता है जिसकी वजह से प्राइसेस में शार्प डिक्लाइन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल प्राइसेस में अब गिरावट यहाँ से बनी रह सकती है, और इसमें जिसके पास भी पोजीशन है उसको एग्जिट कर देना। जी रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने निचले स्तर से फिर से खरीदारी लौटते हुए देखी है, 2800-2900 तक का लेवल बनते हुए देख चुके हैं। रूपा जी, ये क्या लगता है, क्या बिनौला खल के जो प्राइसेस हैं अभी भी 3000 के ऊपर जाने की ताकत रखते हैं? देखिए, बिनौला खल में भी बहुत ज्यादा मुझे तेजी एक्सपेक्ट नहीं है, और मेरे हिसाब से 3000 का लेवल देखिए आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 3000 का लेवल, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर। अभी जो लेवल दिखाई दे रहा है नीचे में 2700 के ऊपर में 3000 की रेंज बनती दिखाई दे रही है, और जून वायदा जो है मुश्किल लग रहा है कि 3000 का स्तर से छूटा हुआ दिखाई दे, जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है मुझे लगता है कि 2800 के नीचे लुढ़क सकता है। जी
रूप जी, कैस्टर में देख रहे हैं कि आज ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या लगता है क्या मुनाफा वसूली एक्सटेंड होगी या फिर जो प्राइसेस हैं फिर से 7,700 के ऊपर जाएंगे? देखिए दिलेश, जो कैस्टर स्पीड है पहले भी हमने देखा 7,500 के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद जबरदस्त गिरावट की तरफ गया और अब इसने एक नया हाई बनाया था 7,700 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा था और वहां से एक्सपेक्टेड था कि बाजार उठ जाएंगे और 7,700 से 8,000 तक सकता छूटे, लेकिन अब यहाँ पर 7,700 एक अहम सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो टूट जाता है तो फिर करेक्शन 7,700 तक भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपर का टारगेट जो तय हो गया था कि 8,000 तक मार्केट ऊपर जा सकता है, 7,700 से 8,000 वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर 7,700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो आपको वो लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर 7,700 का लेवल देख सकता है तो नीचे में 7,700 तक की गिरावट भी आ सकती है। जी रूपा जी, मसालों में क्या लगता है आज इंट्राडे में मसालों में कैसा कारोबार देखने को मिलेगा? देखिए मसालों के अंदर अभी थोड़ा सा प्रेशर आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बाजार गिर सकते हैं, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो या फिर धनिया, तीनों ही कमोडिटीज ऊपरी स्तरों पर आज मुनाफा खरीदी दिखाती हुई नजर आ रही है। लगातार तेजी के बाद अब हल्की करेक्शन की तरफ मार्केट जा चुका है, 10,800 तक धनिया एक बार लुढ़क सकता है और धनिया के साथ जीरा भी 21,200 तक नीचे आ सकता है और वहीं हल्दी की बात करें तो 7,700 का टारगेट हल्दी में भी देखने को मिलता है। जी रूपा जी, ग्वार की बात करें तो ग्वार में देख रहे हैं कि सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है ऐसा कब तक और चलेगा? देखिए ग्वार में भी हल्की करेक्शन आती हुई दिखाई दी है, लेकिन ग्वार मुझे बहुत ज्यादा गिरावट की तरफ नहीं लगती, मेरे हिसाब से यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। अगले वायदा को आप देखिए कुछ अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि गम और सीड दोनों ही तेजी की तरफ है। आज जरूर बाजार करेक्शन में है तो करेक्शन में 11,200-11,800 गम नीचे जा सकता है और वहीं सीड की बात करें तो 59,600-59,400 की गिरावट आ सकती है, वो लेवल अगर सस्टेन कर जाता है वहां पर सपोर्ट आ गया मार्केट को तो अगेन जो है वो तेजी में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, चीनी की बात करें, अगर शुगर की बात करें तो खबर निकल के सामने आई है कि सरकार ने 1 जून से चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया है और इस साल के सितंबर महीने तक ये जो बैन है ये लागू रहेगा और सरकार ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कि जो भारत का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेंटेन रह सके और इसके जो दाम है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो रूपा जी, ऐसे में क्या लगता है, क्या जो मार्केट में अभी स्टॉक है और जो डिमांड है क्या इनमें अभी ज्यादा अंतर है या फिर जिसकी वजह से प्राइसेस अभी बढ़ेंगे या फिर सरकार के इस फैसले जो प्राइसेस हैं वो कूल ऑफ डाउन जाएंगे? देखिए सरकार ने बिल्कुल गेहूं के बाद अब एक बार फिर से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि चीनी के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है जिससे लगातार डोमेस्टिक मार्केट में भी चीनी की कीमतें तेज होती दिखाई दे रही थी, तो उसके साथ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए देखिए गेहूं, चीनी, दाल ये सब जरूरत की चीजें हैं तो इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और इसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। अब इससे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे गेहूं में आ रही तेजी रुक गई वैसे ही चीनी में जो लगातार तेजी बनती दिखाई दे रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और सरकार ने चीनी निर्यात को 100,000 टन तक सीमित करने का भी फैसला लिया है कि 100,000 टन चीनी ही एक्सपोर्ट की जा सकती है, क्योंकि चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए और देश में सप्लाई की कमी ना हो इसके लिए सरकार ने सीमा तय की है और यह जो अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये 1 जून से है और अगले जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक ये नहीं रहेगी, तो इससे 1 जून के बाद सरकार जो है वो चीनी के निर्यात के लिए जो भी लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर सरकार से लेना होगा और तभी जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट की भी सीमा तय कर दीजिए कि 100,000 टन तक भी एक्सपोर्ट जो है वो किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीनी के एक्सपोर्ट में बैन लगाया गया है, लगातार तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही थी और कपड़ों में नाम लगाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है और इसका असर ये हो सकता है कि आपकी ये इंटरेस्ट दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज सभी कमोडिटीज में एक बार प्रेशर है तो मार्केट जो है आज डाउनटेक में जा सकती है, टोटम स्ट्रेटजी रहेगी बिल्कुल आज इंट्राडे किसी को करना हो तो सेलिंग में जाया जा सकता है ग्वार हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव है कि मार्केट रह सकता है तो इंट्राडे से बिकवाई करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट।
कि आज सुबह की कार्रवाई से तुम्हें कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है, कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है और उस पर रुपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।